हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू पूरी, जिसको आप मसाला पूरी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने ये 2 कप लिया है आटा। उसमें मैंने ये 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डाला है। अब इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले। मसालों में हम डालेंगे मिर्ची 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पिसी हुई, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब डाल देंगे धनिया पत्ता। इन सबको अच्छे से गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये मसाला आलू पूरी का आटा लगा लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। 10 मिनट बाद हम इसको पूड़ियाँ बनाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम मसाला पूरी को बेल लेंगे हाथों को। हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा आटा लेंगे। अब इसमें से हम लोई काट लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे। हल्का सा चकला पे मैंने रिफाइन लगा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ये एक मसाला पूड़ी को बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम और भी बना लेंगे। आलू की वजह से आटा हल्का सा चिपकेगा। अगर आप रिफाइंड लगा लेंगे, हल्का सा ग्रीस कर लेंगे चकला को और हाथों को, तो फिर बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से हम सारी मसाला पूरी को बेल कर तैयार कर लेंगे। सकते हैं मैंने एक प्लेट में ये मसाला पूड़ियों को बेल कर तैयार कर लिया है। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मसाला पूरी तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड गर्म हो गया है। अब एक एक पूड़ी को डालकर हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं पूरी कितने अच्छे से फूल कर तैयार है। हम ये भी निकाल लेंगे। ये सिक गई है पूरी। इसी तरह से हम बाकी की सारी पूड़ियाँ सेक कर तैयार कर लेंगे। ये मसाला पूरी तैयार है आलू की सब्ज़ी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ट्राई करें एंड वीडियो को शेयर करें।